क्या करे, कोई साफ ही नहीं करना चाहता और साफ कर देते हैं तो गंदा बस कर देता है। कोई बात नहीं, किसी को बोलते ना कि इस तरह का डांस कर रहे हैं तो क्या पता बहुत कोई मजाक उड़ाता है तो डाले कि उड़ाया नहीं डाले। हाँ, बहुत कोई उड़ाया भैया, अभी भी आता है उसके उसके बारे में कमेंट। थैंक यू हम बार बार बोलेंगे, आप लोग कितने प्यारे हो जो हम लोग को इतना सपोर्ट किए। बहुत सपोर्ट किए, बहुत। आप लोग नहीं होते ना तभी हम लोग कौन सा स्थिति में होते। हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है फिर से दीपक महेश्वरी ब्लॉग्स में। सो गाइस, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस अभी क्या बताएं, छत में हम लोग, और आप लोग को तो पता था कि हम लोग छत बहुत अच्छे से साफ किए थे। हम लोग के साथ बहुत खराब हुआ गाइस, छत पूरा, मेहमान लोग आए ना, पूरा गंदा कर दिए। सो बोले थे वैसे ही हो गया। हम बहुत कोई के कमेंट पढ़े थे, छी आप लोग कितने गंदे रखते हो छत। लेकिन वैसा कुछ नहीं है, हम हमेशा साफ करते रहते हैं, हमेशा साफ करते, जहाँ गंदा देखते हैं वहाँ साफ करते। लेकिन क्या करें, कोई कोई नहीं करना चाहता है साफ घर में। आप लोगों को पता है ज़्यादा आदमी रहने से एक होता है ना कि नहीं ये साफ करेगी वो साफ करेगी, ऐसे करते करते ना काम नहीं होता है सही से। तो देखिए घर छत इतना गंदा हो गया, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, मन भी नहीं कर रहा है। और इतना मेहनत से हम लोग साफ़ किए थे, आप लोग पहले वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से साफ़ किए थे। अभी इतना गंदा हालत हो गया ना, क्या बताएं यार। इधर हम लोग कोई मजाक नहीं कर रहे, इधर देखिए हमारा यहाँ पे लकड़ी जमा था जिसको हम लोग वीडियो में साफ़ करके उधर किए, और इधर देखिए साफ़ सुथरा था पूरा, कैसे हो गया पूरा। बर्तन वर्तन देख सकते हैं, पूरा चूल्हा सब देख रहे हैं, इधर बर्तन सब, इतना इतना बर्तन देख रहे हैं। इधर देखिए खा के आधा खाया हुआ थाली भी वहाँ पे जो डॉगी खाया था उसको भी साफ कोई नहीं किया। इधर पूरा चटाई वटाई पपीता फेंका हुआ, किधर गमछा फेंका हुआ है, इधर इधर कपड़ा टांगा हुआ है, यार पूरा परेशानी है। तो आप लोग देखिए ना कितना मतलब साफ करते रहते हैं और क्या करें, कोई साफ ही नहीं करना चाहता और साफ कर देते हैं तो गंदा बस कर देता है। कोई बात नहीं, किसी को बोलना भी नहीं है, आप लोग तो जान ही रहे, बोल भी नहीं सकते किसी को, नहीं तो ऐसे में लड़ाई होने लगता है। तो कोई बात नहीं, नहीं बोलेंगे किसी को, हम ही साफ कर रहे थे, क्या है, हम ही को तो साफ करना ही है। तो चलते हैं, हम ही साफ करते हैं। उस दिन तो बहुत ज़्यादा थक गए थे साफ करते, आज उतना नहीं है, बस बर्तन धोना है और छत तो झाड़ू करना है, फिर आप लोगों से इम्पोर्टेंट बात करनी है। साफ सफाई तो हो गया है। सो ये वीडियो हम लोग सोच रहे थे इस बारे में जो अभी बात करेंगे ना, वो हम लोग कभी और अच्छे से एक टॉपिक ले करके बात करेंगे सोचे थे, लेकिन हम लोग के पास फ़िलहाल तो आज भी कोई टॉपिक नहीं है। और उतना दिन से बोलना भी चाह रहे थे, और घर जैसा कि देखें छत कितना गंदा था, साफ़ करते करते काफ़ी टाइम हो गया। तो गाइस इसीलिए सोचे कि चलो आज वो सब बात कर ही लेते हैं। सो क्या बात करते हैं वो ये बताएंगे, क्योंकि इनको हम लोग का इंस्टाग्राम में 1,23,000 हो गया है। देखिए आप लोग कितना इंस्टाग्राम में सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अच्छा फ़ोन नहीं होने के कारण हम लोग रील्स भी ज़्यादा अपलोड नहीं कर पा रहे, उसके लिए सॉरी रहेगा। और यूट्यूब में कुछ दिन में 20,000 होने वाला है, हो जाएगा, तो उसके लिए दिल से थैंक यू जो कि आप लोग इतना सपोर्ट ना सपोर्ट कर रहे हैं। इतना घटिया फ़ोन से भी बना रहे हैं फिर भी इतना अच्छा अच्छा व्यूज आ रहा है, रील्स वायरल हो रहा है, वीडियो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, यकीन नहीं होता है। और इतना मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ख़राब क्वालिटी भी होता है फिर भी आप लोग, इतना अच्छा लगता है आप लोग को कि शेयर वेयर सब कुछ कर लेते हैं। बहुत बुरा लगता है कि हम लोग के पास अच्छा फ़ोन नहीं है, आप लोग अच्छा ब्लॉग नहीं डाल पा रहे हैं, अच्छा रील्स नहीं बना पा रहे हैं ना डाल पा रहे हैं, बहुत बुरा लगता है। आप लोग जब इतना सपोर्ट करते हैं तो हम लोग को बनाना चाहिए, लेकिन सच बताए बहुत ख़राब आता है। हाँ, और टाइम वाइम भी नहीं हो पाता ना, गिरा दिए उसको, गंदा दिख रहा था। सो गाइस टाइम वाइम पता है आप लोगों को, हम लोग के पास निकल नहीं पाता है, जितना भी टाइम निकलता है उस पर हम लोग ब्लॉग बनाते हैं। और ब्लॉग बनाने के लिए मेहमान आए हुए थे, उसके कारण आज उतना नहीं बना पाए, पूरा यहाँ पे छत में नहा धोवा रहे थे, तो हम सोचे ये सब कहाँ दिखाएंगे, तो नहीं बना पाए, तो उसके लिए सॉरी। आज बस यही बोला था कि इंस्टाग्राम में जल्दी से जल्दी 2,00,000 करवा दीजिए। जो जो इंस्टाग्राम पर नहीं देखे, हम लोग इंस्टाग्राम में ना 1,23,000 फॉलोअर्स है, और वो इसी साल बना है 2023 में ही, और बहुत अच्छा बना है 2023। हाँ 2023 में ही हम लोग को पहचान मिला, जो कि 2022 से हम लोग डाल रहे थे, और यूट्यूब में भी 2022 से ही डाल रहे थे, लेकिन 2023 से हम लोग को दोनों में हम लोग को 2023 में ही हम लोग का वायरल हुआ वीडियो और हम लोग को पहचान मिला। सो जो कि अभी कोई बहुत आज के डेट में अभी हम बोल रहे हैं अभी 2023 में, 2022 में तो कोई हमको नहीं पहचानता था, पहचानते थे तो इनको पहचानते थे, वो भी डीजे एल्विन एल के नाम से, अब वो सब ख़त्म हो चुका है।
तो अब बस 2023 में हमारा अपना पहचान मिला दीपक महेश्वरी से। कितना खुशी होता है जब कोई बोलता है कि दीदी भैया हम आपका वीडियोस देखते हैं, आप लोग बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, हम आपको लाइक करते हैं, तो दिल खुश हो जाता है। 1000 सब्सक्राइबर के लिए और हम लोग 1000 फॉलोअर्स ये सब कंप्लीट करने के लिए हम लोग गाँव गए, यहाँ बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ा, बहुत क्या बताएं हम नहीं बता सकते हैं, अभी बहुत चीज हुआ जो कि नहीं होना चाहिए, बहुत सारा वीडियो था गांव का जो कि डिलीट हो गया, वरना आप लोग देखते हैं हम लोग कितना मेहनत किए, बैंक साग खाए, अमरुद सब खा रहे थे वहां पे, बैर खा रहे थे, गर्मी का दिन था तो काम था, खेत वेत में काम करते थे, खेत में फसल कटाई चल गया, सरसों काटना याद करके बहुत लड़ाई झगड़ा भी हुआ, बहुत कुछ हुआ था, नहीं हमको याद करना ये सब बारे में, बहुत ख़राब हुआ था जो भी हुआ था, कोई बात नहीं, अब हम लोग अच्छे हैं और अभी हमको इतना पहचान मिला दीपक महेश्वरी के नाम से, उसके लिए हम आप लोगों को थैंक यू करना चाहेंगे, क्योंकि आप ही लोग जो हुआ है आप ही लोग के वजह से हुआ, आप ही लोग इतना प्यार दिए हम दोनों कपल को और इतना आगे बढ़ाए हमको, और हमको उम्मीद है कि आप लोग और आगे तक ये दीपक महेश्वरी को लेके जाएंगे। हाँ हमको पता है बढ़ा देंगे, बस थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ेगा हम लोग को, और अभी क्या है ना कि 19000 हम लोग 20000 में बनाएंगे बोले थे एक वीडियो, लेकिन आज जिस तरह का काम देखे आप लोग, इतना गंदा था छत, तो उसको करने में ही हम लोग का टाइम पूरा दिन गया और कहीं जा भी नहीं सके हम लोग, सो सोचे कि चलिए बाद में करने से अच्छा आज ही आप लोग को थैंक यू कर देते हैं, सो इसीलिए इस वीडियो को बनाए, मतलब हमारे मतलब यूट्यूब और इंस्टा फैमिली में करीब हम लोग का हो गया होगा मतलब 1.5 लाख आदमी है ना, 1.5 लाख आदमी जो कि 1.5 लाख पब्लिक हमें पसंद करते हैं, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकता है, 1.5 लाख पब्लिक जो कि कल के डेट में हमें कोई नहीं पहचानता था, सिर्फ और सिर्फ गाँव के लोग जान सकते हैं गांव का यहाँ आसपास का, लेकिन आज के डेट में YouTube फैमिली इंस्टा फैमिली सब पहचानने लगे और आज हम लोग को पहचानते हैं 1.5 लाख पब्लिक, उससे अच्छा क्या हो सकता है। गाइस पहला वीडियो तो इन्हीं का वायरल हुआ था इसलिए मेहनत तो इन्हीं को जाता है, हालांकि हम लोग दोनों मेहनत किए लेकिन वीडियो वायरल अगर हुआ था ना तो नहीं, इन्हीं का एक वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद से सारा वीडियो वायरल होना यूट्यूब या इंस्टा, इंस्टा में हम दोनों का वीडियो वायरल हुआ था पागल, एक साथ अच्छा। हम दोनों का वायरल हुआ था, और यूट्यूब में मेरा एक आदिवासी वाला सॉन्ग था आदिवासी, मेरा YouTube में अच्छा ही थोड़ा 10-15 हजार व्यू गए, सॉन्ग था बाबू सोना वाला, पहली बार देखा तुझे दिल अटक गया, वो इतना पॉपुलर हो गया जो कि इंस्टा में ना 1 मिलियन तो गए ही, YouTube में भी 1 मिलियन चल गए, अभी आप लोग देखेंगे तो अभी पॉपुलर में वही है शॉर्ट्स में, तो उसको 1 मिलियन देख मतलब, बहुत खुश हुए। हाँ मतलब क्या है ना कि हमको रील्स बनाने का शौक नहीं था उतना, और अभी भी उतना कुछ खास है नहीं, लेकिन एक अंदर से ना आदत हो जाता है कि चलो बनाते बनाते तो अच्छा लगता है बनाने का, लेकिन उतना शौक नहीं है पर अच्छा लगता है बनाने में, बहुत सब बनाते उसमें ना गलत कमेंट भी करते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे थे पता है, ये सलमान खान वाला डांस कर रहे थे बेल्ट पकड़ के, लेकिन बहुत कोई अरे गलत मतलब लगता है, हम कभी रील्स बनाते नहीं थे, इनको रील्स का बड़ा एकदम शौक रहता है, इनको बड़ा शौक है रील्स बनाने का बचपन से ही, जब ये मतलब 14-15 साल की थी उससे भी पहले, बहुत छोटी थे ना उस टाइम से, मेरा ना शौक था आईना के पास जाना, लिपसिंग करना, मुंह बनाना, बाल झड़ना, डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद था हमको, तो फिर हम सोचे ना 2018-19 में जब आया था टिकटॉक, तो उस टाइम सोचे हम ना बना लेते हैं, लेकिन उस टाइम मेरा अपना फ़ोन नहीं था, दीदी के लिए गाना गाने के लिए पापा फ़ोन खरीद दिए थे, लेकिन वो हमको देती नहीं थी, तो उसके कारण हम नहीं बनाए, उसके बाद 2020 में मेरा अपना फ़ोन आया, तो उस टाइम हम बनाने को सोचे ना, तो उस टाइम फिर हमको मन ही नहीं करने लगा कि नहीं 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 बनाएंगे, अभी पढ़ाई कर लेते हैं, फिर 2021-22 में फिर ऐसे पापा डेथ किए, उस टाइम से हमको कोई चीज़ में मन ही नहीं करता था, फिर ये हमें मिले, फिर हमको पता चले ये यूट्यूबर है, हमको नहीं पता था, पर भी हम नहीं उतना सोचे कि हम जाने के बाद हम वीडियो बनाएंगे, हमको बिल्कुल फिर ख़त्म हो गया था, पापा ऐसे हुए ना डेथ किए, तो मेरा ना सारा चीज़ ख़त्म हो गया था जो हम करना चाहते थे लाइफ में, उसके बाद ये मिले उनके, उसके बाद हमको पता चला कि यूट्यूबर है, फिर हम लोग को प्यार हुआ, फिर शादी उदी हुआ, उसके बाद हम सोचे ना कि क्यों ना हम वीडियो बनाते हैं, अब तो कुछ रहा नहीं, अब तो लाइफ में अब खुशी करते हैं, जो मेरा मन था वो हम पूरा करते हैं, तो फिर मेरा हस्बैंड हमको साथ दिए ये सब चीज़ में और मेरे से वीडियो बनाने लग गए,
इनको नहीं आता था लेकिन अब आने लगा है लिपसिंग करने, पहले बिल्कुल पहले नहीं आता था, इसलिए वो जो डांस वांस देखते हैं ना आप लोग, तो वो हम अपना मजा के लिए करते थे, हमको कोई लेना देना नहीं था। अरे आप लोगों को सच बता दें, ये हमको वीडियोस डालने नहीं बोले थे वो वीडियो, लेकिन पता नहीं हम एक बार हम डांटे भी, क्या डांस है ये, बेल्ट पकड़ के क्या सोचेगा आजकल का पब्लिक, कोई कोई होता है ना कि गलत गलत कमेंट करता है, थोड़ा सा भी ऐसा वैसा देखता है, तो बोले नहीं नहीं हमको इज्जत से नाम कमाना है, वैसे क्यों डांस किए, ये सब डांस हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन सा बुरा डांस था? हम सोचे ना कि नहीं नहीं एक तो सलमान खान बेल्ट पकड़ के डांस करता है ऐसे ऐसे, वो तो ठीक है डाल देते हैं, अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो डिलीट कर देंगे। सोचे ना कि इस तरह का डांस कर रहे हैं तो क्या पता बहुत कोई मजाक उड़ाता है तो डाले कि उड़ाया नहीं डाले। हाँ बहुत कोई उड़ाया भैया, अभी भी कमेंट में आता है, अभी भी आता है उसके उसके बारे में कमेंट यूट्यूब और इंस्टा में, तो सब बोलता है कि भैया तुम ऐसे पागल जैसा काहे डांस कर रही है, ऐसे वैसे बोलता था ना तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता था, तो इसीलिए हम वो वाला को ना मजाक उड़ाएंगे बोल के हम डालने नहीं बोलते थे, पर हम सोचे ना कि एक बार डाल देते क्या होता है, फिर देखे बहुत कोई बहुत अच्छा कमेंट किए, बहुत कोई गलत किए, लेकिन कोई बात नहीं होते रहता है, इन सोशल मीडिया में कोई ना कोई आती ही रहता है, ऐसे ऐसे लोग मारो उसको आते रहते हैं, तो इतना वायरल हो गया अभी पॉपुलर में अभी वही है यूट्यूब में, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। और इनको कोई वो वाला वीडियो इनके सामने कोई अगर चला देता है ना तो इनको थोड़ा सा ना क्या तो हंसी लगता है, वो वीडियो देख अजीब सा लगेगा, कैसे हम डांस कर दिए ऐसा सोचे समझे नहीं थे, बस गाना बजा डांस कर दिया, पता नहीं वायरल होगा क्या होगा, हमको कोई लेना देना नहीं था, पता चला यार यही वीडियो वायरल हो गया जो सोचे नहीं थे, तो अच्छा लगता है, कोई भी पहचानता है तो बोलता है कि भाई ऐसे डांस किया था बहुत अच्छा लगा देख के आपका। तो गाइस सिर्फ हम लोग को यही बोलना था कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हम लोग के पास एक अच्छा फ़ोन नहीं है जिसके कारण हम लोग बना सके, कोई बात नहीं यूट्यूब से आएगा पैसा तो ज़रूर एक अच्छा फ़ोन लेंगे और अच्छा अच्छा ब्लॉग डालेंगे, यहाँ वहाँ घूमने जाएंगे, लेकिन अभी है ही नहीं तो क्या करें कैसे खरीदें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, काम करने जाएंगे बोलते तो हमको जाने ही नहीं देते हैं, बोलते काम करने जाओगी तो तुम ब्लॉग आ जाएगा, अभी कुछ दिन में आ जाएगा, $100 कंप्लीट करना है, सब पूरा मेहनत कर रहे हैं हम लोग, हालांकि कहीं जा नहीं पा रहे हैं, घर का सिचुएशन देख सकते हैं कैसे टाइम निकल भी जाता है, लेकिन क्या होता है पता है आते शाम हो जाता है, फिर घर में भी मेरा काम रहता है खाना उना बनाना ये वो, तो वैसे में नहीं हो पाता, इसीलिए हम सोचते हैं ना कि नहीं जाए कहीं घूमने, क्योंकि जाएंगे सुबह में फिर आएंगे शाम में, फिर ठंडा लग जाएगा, आजकल ठंडा इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि पूछिए मत, फिर तबीयत ख़राब हो जाएगा, फिर घर में फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए फिर नहीं जाने सकते हैं, तो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार दिए इंस्टा और यूट्यूब में, आज आप लोग का प्यार की वजह से आजकल हम लोग को सब पहचानने लगे हैं, पहचान है और मोनेटाइज हो गया, पिन आ गया, पिन भी आ गया, बस वेट है अब सोचने कितना आगे बढ़ेंगे बहुत पैसा का वेट है, क्योंकि आप लोग तो पता है पैसा रहता है तो सबको इज्जत मिलता है, पैसा जिसके पास नहीं होता उसको कभी इज्जत नहीं दिया जाता है, अब तो जान ही रहे हैं आप लोग को, सबको पता हो गया होगा कि आज के डेट में ना पैसा वैल्यू है ना कि रिश्ता, बहुत ख़राब जैसे कि होते रहता है सबके साथ, तो बस पैसा का वेट है, उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं होगा, फिर हम लोग को जो चाहेंगे वो फिर लेंगे, अच्छा क्वालिटी देंगे, हाँ पहले फ़ोन लेंगे बहुत फोन अच्छा लेना फोन, बहुत जरूरी है सो उसके बाद फिर घूमने जाएंगे हम लोग अच्छा अच्छा प्लेस और में, आप लोग को पूरा दिखाएंगे एकदम, और आप लोग से भी मिलेंगे और जहाँ जाएंगे वहाँ बता देंगे कि हम लोग आ रहे हैं, तो आप लोग जिन्हें मिलना होगा वो आ जाइएगा, ठीक है। तो गाइस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा और जल्दी से जल्दी 200 इंस्टाग्राम में कर दीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जाइए फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब पे वो हो जाएगा धीरे धीरे, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, बस हम इंस्टा में 200 के कर दीजिए तो अच्छा लगेगा वीडियो बनाने, कर दीजिए जल्दी से, तो ऐसे सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए ताकि हम लोग सोशल मीडिया छोड़ के ना जाए, बहुत कोई कपल ऐसे लोग हैं जिनका फोन का क्वालिटी या फिर कोई सुविधा नहीं रहता है तो वो लोग छोड़ के चले जाते हैं सोशल मीडिया से, फिर तो वो लोग को भी बोल रहे हैं कि ना जाए यार, मत जाओ, मत जाइए, मेहनत कीजिए जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो हम भी वही बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग प्यार देंगे तो हम कभी छोड़ के सोशल मीडिया नहीं जाएंगे, अगर हम प्यार नहीं मिलेगा आप लोग 200 के नहीं करेंगे तो हम छोड़ के चले जाएंगे, फिर आप लोगों को फिर हम दोनों कपल देखने को भी नहीं मिलेंगे सोशल मीडिया, और मेरा अजीबो करीब डांस भी नहीं देखने को मिलेगा। सो ठीक है गाइस, ब्लॉग यहीं से एंड करते हैं,
थैंक यू हम बार बार बोलेंगे, आप लोग कितने प्यारे हो जो हम लोग को इतना सपोर्ट किए। बहुत सपोर्ट किए, बहुत। आप लोग नहीं होते ना तभी हम लोग कौन सा स्थिति में होते, क्या दिमाग में चलता, कितना टेंशन भरा होता, आगे कैसे बढ़े, क्या करें, क्या काम करें, समझ नहीं आता। कोई बात नहीं, आगे भी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करेंगे हमको लगता है, और लगता नहीं है आप लोग करते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सभी को बाय बाय। बाय बाय गाइस, वीडियो लाइक जरूर से करना और शेयर भी और कमेंट करना, छोटा सा प्यारा सा। चलिए ठीक है, बाय।